यहाँ से जनाब ज़रा हाइट इंक्रीज़ हो रही है और हाइक करते हुए जो कि मैं काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, इस चीज़ का मुझे आइडिया हो गया कि मेरी बॉडी में इस वक्त जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो किस कदर हाई है, कि थोड़ी सी हाइक से जो मेरा ब्रीदिंग रेट है, हार्ट रेट है, बहुत फास्ट हो गया। तो डेली आना तो यार पॉसिबल नहीं है, बट वंस इन अ वीक आपको जो है वो लाजमी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए कि आप एक तो फ्रेश एयर इनहेल कर लेते, दूसरा काफ़ी फैट बर्न कर लेते। तो ऊपर एक पॉइंट है तो वहाँ पे कंटिन्यूस पानी जो है ना वो सारा साल चलता है। कोशिश करके हम उस स्पॉट तक जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर आकर मैं आप कवर कर रहा हूँ, ये थोड़ा पॉइंट जहाँ पे जंक्शन सा आता है ट्रेल 3 और ट्रेल 5 का, तो यहाँ पर कुछ सिटिंग पॉइंट है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वेदर इन्जॉय कर रहे हैं, फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हैं। लेकिन हम जो हेल्दी पर्सन है लाइक अस, हम जैसे जो हेल्दी लोग हैं उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम जनाब कंटिन्यूस अपना जो सफ़र है, अपना जर्नी है, वो जारी रखे हुए। और ये उस्मान साहब भी हमारे फुली मोटिवेटेड हैं, ही सेड नो नीड टू स्टॉप, चलते रहो ऊपर। उस्मान साहब आगे पहुंच गए मेरे से। उस्मान क्या हुआ बेटा, थक गए हो? नहीं थके जी उस्मान साहब, बहुत स्टेमिना है। हाइट पे जाते जा रहे हैं, हाइट पे जाते जा रहे हैं। मैं इसको बोल रहा हूँ ये सुन नहीं रहा, ये दो शूज़ आपके भाई का धोखा दे गया। भाई ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह व्यू है, और आप स्वेटिंग भी देख सकते हैं हाइक करके। फिर इस टाइम हमें स्वेटिंग भी हो चुकी है, और उस्मान यहाँ पे कोशिश करें कि किसी तरह उनका जो है वो मोबाइल पे रब्ता हो जाए अपने कोलीग के साथ, और ही इज़ ट्राइंग टू कैच द सिग्नल, और लेकिन सिग्नल यहाँ मुश्किल ही मिलेगा उस्मान साहब। तो लेट्स कंटिन्यू अवर हाइक। इसमें बड़ा क्लाउडी किस्म का वेदर है, और उस्मान साहब ऊपर आ नहीं रहे हैं, सिग्नल ढूंढ रहे हैं नीचे। ऊपर आओ उस्मान, सारा टेम्परामेंट इस बंदे ने ख़राब कर दिया यार। कौन सी अम्मी से रब्ता नहीं हो रहा आपका उस्मान? तो जनाब हमारा फाइनल पॉइंट आ चुका है जहाँ से हमने वापसी करनी है, बट एक बैड न्यूज़ हमारे लिए ये कि बादल गरज रहे हैं, किसी भी टाइम जो है ना वो बारिश शुरू हो जाएगी, तो फिर वापसी की तरफ हाइक करना विल बी डिफ़िकल्ट। ये माशाल्लाह किसी ने यहाँ पे मसल्ला वगैरह भी ला के रखा हुआ है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, और ये पानी जिसका ज़िक्र किया था, ये साफ़ पानी आ रहा है ऊपर से, यहाँ से लोग अपने बोतलें वगैरह भी भर लेते हैं और सिर्फ पी भी लेते हैं। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ से मेन होज़ है पानी का, जहाँ से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, वो इंशाल्लाह ऊपर जाके। उस्मान तो हिम्मत आ चुका है, उसने कहा भाई आप ही ऊपर जाके कवर करो इसको, मैं तो नहीं आ रहा। तो उसको पीछे ही छोड़ के जनाब मैं इन बड़े बड़े चट्टानों के बीच में जो है वो ऊपर की तरफ हाइक कर रहा हूँ, और दिखाता हूँ मेन आपको स्पॉट कि जहाँ से पानी आ रहा है। बारिशों की वजह से यहाँ पे पत्थर आके जमा हो गए हैं ऊपर से, पहले पानी का मेन जो सोर्स थी वो यहीं पे वाजे होती थी, बट अब थोड़ा आगे स्विच हो गया, आगे जाके देखते हैं। जी तो भाई वहाँ से हमने जो कुदरती पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी वहाँ से हमने पानी पिया, माशाल्लाह बड़ा ठंडा और मीठा पानी था। और अब हमारा वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्टेड है, बिकॉज़ ऊपर बादलों की गरजने की मुसलसल आवाज़ आ रही है, किसी भी टाइम जो है ना बारिश हो सकती है। ये बंदा बार बार दो कदम चलता है और अपना फ़ोन निकाल लेता है। पुत्र चढ़ दे मोबाइल, चढ़ दे यार ना अकमा। अगर तो भाभी आप ये वीडियो देख रही हैं तो किसी दिन इसका मोबाइल छुपके से चेक करें, मुझे कोई और ही वाइब्स आ रही हैं।
ये भाई खतरे की घंटी मजीद बज गई है। सोल बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है तो, और ये हवा चल रही है, ये बादल है जनाब। ये माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है, ये दो पहाड़ों का जंक्शन और ये जनाब बादल। जो हमने पेट्रोल मतलब दिलवाया ना, पैसे पूरे हो, पैसे हलाल हो गए, कुछ खाया नहीं है, पानी भी है। ऐसे हर ट्रिप पे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जाना वो हलाल होते हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह। वापसी जाते हुए हमें आइडिया हो रहा है कि जो हाइट है वो काफी है। भाई 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे इतने गहरे बादल हो गए हैं कि ये अंधेरा हो गया तकरीबन यहाँ पर। जी जनाब, जिस चीज़ का वाकई डर था वही हुआ और बारिश स्टार्ट हो चुकी है और वी स्टिल हैव अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स टू कवर। हमने 2 किलोमीटर अभी मज़ीद कवर करना है। तो बारिश का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जनाब फ़ोन वगैरह खुदा ना खास्ता गीले ना हो। ये देखें माशाल्लाह कि हमने फटे हुए जूतों के साथ हाइकिंग, मैंने आपको पहले बताया था ना वीडियो के दरमियान में या शुरू में कि जब तक माशाल्लाह इनके जूते फट ना जाएँ या लीलो लील ना हो जाए ये नहीं छोड़ते। और अब ये देखें हम हाइक अब ना हाइकिंग ख़त्म करने से पहले ना हम इन जूतों को ना पहले फेंकेंगे कहीं पर। नंगे पैर ही आपने जाना है और आपने क्या करना है? जी जनाब, तो ये जूते का सोल हाथ में थामे हम जनाब भाग रहे हैं पार्किंग की तरफ। पार्किंग भी ट्रेल 3 की पार्किंग में की हुई है और बग़ैर सोल के जो है वो अपने जूते को मैं जनाब रगड़ रहा हूँ, अल्लाह खैर से पहुँचाए बस। उस्मान, तो बारिश का सीन फुल ऑन हुआ हुआ है। ये आपके भाई ने सोल अपने जूते का हाथ में पकड़ा हुआ है। उस्मान साहब तो पकड़ा ही नहीं दे रहे, बागी जा रहे हैं। आपका भाई नुकीले पत्थर अपने पैर में बर्दाश्त करके जनाब ये ट्रैक कवर कर रहा है। मुसलसल बारिश हो रही है, ज़मीन को देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि, और आवाज़ भी आ रही होगी यकीनन बारिश की। तो ये सितम आपके भाई पे हुआ है, ये पठानों वाले जॉगर्स की वजह से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी ऊपर जा रहे हैं, ये देखें। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक चुकी है और बड़े अच्छे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकी है। जब हमारे ऊपर से दरख्तों का जो साया है वो हट चुका था, ये आप देख सकते हैं, तो इस टाइम पे बारिश अभी जो है वो रुकी है, ख़त्म हुई है। हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले जो है ना कोई मोची ढूंढ रहे हैं जो मेरा ये सोल जोड़ दे। जी तो जनाब वीडियो के स्टार्ट भी मैंने कह दिया था ये बंदा सख्त पनौती है, ठीक है ना। आज ये मेरे साथ आया है तो जनाब मेरे जूतों का ख्याल हुआ। इतनी दफ़ा मैं ये जूते पहन के हाइकिंग पे आऊँ, कभी आज से पहले नहीं हुआ। तो ये जनाब इससे प्रूव हो गया कि मैं मतलब और भी टूअर्स करता हूँ, कुछ नहीं होता। आज जो हुआ है तो वो इस बंदे के पनौती पानी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अभी ये रात का टाइम है अभी, नहीं नहीं तोबा करो, मैं नहीं था मैं तो अपने ब्लॉग में ले गया था, ठीक है। पानी पैसों का पानी था मेरी रात, तो रात के टाइम तुम जो है वो जंगल में अखबार करा रहे हो, ठीक है। ये सफल एक नंबर आया। तो ये जनाब अंधेरे में उस्मान साहब गुम हो गए, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। रात का टाइम है और जंगल में रात के टाइम ऐसी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने। जब बाइकिंग पे आएंगे तो ये आपने ख्याल रखना है कि जंगल में रात के टाइम ऐसी चीज़ें जो है ना वो बाहर आ जाती हैं। तो अपना बचाव खुद करना है आपने। ये आपका सफ़र अब जारी है टूवर्ड्स ट्रेल 3 पार्किंग, जहाँ पे हम अपना बाइक पार्क करके आए थे, थैंक्स टू चौकी वे पुलिस वाला भाई जो चौकी में था, उसकी मेहरबानी है कि अब हम पैदल ख्वार हो रहे हैं टूवर्ड्स ट्रेल 3। और ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की रोड्स का खूबसूरत मंजर बारिश के बाद। वापस था रावलपिंडी और अब इस टाइम हो गया खाने का टाइम, और ये हमारे उस्मान भाई हैं जो आज हमें खाना खिला रहे हैं। और क्या खाना खिला रहे हैं ज़रा आपको दिखाते हैं। ये है टिक्के कबाब का स्पॉट जहाँ पे हम पहुँचे हैं, और हमारे ये हैं तारिक भाई द ग्रेट, जो हमारे लिए जो है वो टिक्का बोटी और साथ कबाब कढ़ाई बनाने लगे हैं। और ये इनकी शॉप है, इसका नाम है अल हमज़ा टिक्का हाउस, लोकेटेड एट असगर बाल रोड।
और इनके हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत जायका दिया है माशाल्लाह, और ये हमारे लिए अब स्पेशल कढ़ाई तैयार करने लगे। जी गाइस, तो हमारा ये खाना आ चुका है और हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया है, और बस आज तक का हमारा सफ़र यही था। एंड में एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि किसको के वीके व्लॉग्स को आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? Shut up, bitch! और अगली बार मुझसे मिलने के लिए आपने विकी व्लॉग्स को देखना है, ठीक है? अगली दफा हम आपको लेके नहीं आ रहे, तू मेरा पुतल छोटी का। ओके गाइस, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।